हाय गाइस, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति आज हम पढ़ने वाले हैं। एस्किमो, ब्रुसमिन, खिरगिज, ये जनजातियां हैं, इनको डिटेल से समझने वाले हैं। क्लास 11 12th जिसके पास ज्योग्राफी है, बीए सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर और कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो एस्किमो जो जनजाति है उसकी छोटी छोटी डिटेल मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का अर्थ साधारणतया देखा जाए तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। आगे बात करते हैं निवास की। एस्किमो जनजाति का जो निवास स्थान है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड से अलास्का और साइबेरिया के उत्तरी छोर तक। कहां तक? ग्रीनलैंड से अलास्का और साइबेरिया के उत्तरी छोर तक एस्किमो जनजाति का निवास है। मुख्य स्थान की बात की जाए तो जो मुख्य प्रदेश है एस्किमो जनजाति का वो है टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जो जनजाति है वो निवास करती है। आपका क्लियर हो गया निवास स्थान। अब इसकी बात मैं कर दूं निवास स्थान के बाद कि एस्किमो जो जनजाति है वो जो बर्फीले इलाके हैं वहां रहती है और वहां का जो तापमान है वो -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। हमेशा वहां बर्फबारी होती रहती है और वहां वनस्पति नहीं पाई जाती। मुख्यतः नोट कर लीजिएगा कि वहां जो ये क्षेत्र है जहां एस्किमो जनजाति रहती है वहां वनस्पति नहीं पाई जाती। और यदि जंतुओं की बात करें तो वहां जो जंतु हैं वो मोटी चर्बी वाले जिनके बाल ज्यादा हैं वो जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ बॉडी स्ट्रक्चर की, कि जो उनकी संरचना है एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं उनकी जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की है, वो किस प्रकार दिखते हैं तो नोट कर लीजिएगा। उनका रंग भूरा, जो पीला पन लिए हुए होता है, थोड़ा भूरा और पीला पन लिए हुए होता है। उनका चेहरा होता है गोल चौड़ा। नाक होती है उनकी, चपटी नाक होती है। उसके बाद बात करें तो बाल होते हैं वो गोल होते हैं। दांत सफेद और मजबूत होते हैं जिनसे वो मांस खाते हैं। कच्चा मांस खाने वाला इसलिए बताया गया कि उनका सिर्फ और सिर्फ जो आखेट करते हैं वो जो मांस वगैरह खाते हैं केवल वो ही उनका जीविकोपार्जन का जो साधन है वो आखेट ही है। वो अन्य अनाज ये नहीं खाते क्योंकि वहां अन्न उगता ही नहीं है, वो केवल खाते हैं मांस। इसके बाद मैं बात करूंगा उसके जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनका कद कैसा है। उनका कद है मंझला। मंझला कद होता है, ना तो वो नाटे हैं और ना ही वो जो लोग हैं वो लंबे हैं। मंझला मीडियम साइज के लोग हैं वो। यदि चरित्र चित्रण किया जाए एस्किमो जनजाति का कि उनका चरित्र उनके विचार किस प्रकार के हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हसमुख, प्रसन्नचित एवं निर्दयी प्रकृति के, निर्द्वंद प्रकृति के होते हैं। एस्किमो जो जनजाति के लोग होते हैं वो विश्व में सबसे हसमुख, प्रसन्नचित और निर्द्वंद प्रकृति के लोग होते हैं। उनकी एक बात, एक विशेषता और है, विशेषता पूछ ली जाए तो आपको ये लिखना होगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और दूसरी बात वो चोरी नहीं करते। आगे बात करें आखेट की। मैंने पहले बताया कि आखेट जो है वो उनका जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन है। वो आखेट से ही अपना जीवन चलाते हैं। कभी कभी बार तो 10-10 दिन वो भूखे रहते हैं, उन्हें शिकार नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर बर्फबारी होती है, इतनी जलवायु है वो शीतकालीन है और शीतकालीन जलवायु होने के कारण वहां पर जानवरों की कमी है। इसलिए कभी कभी
शिकार न करने के कारण ये 10-10 दिन तक भूखे रह जाते हैं। कभी कभी तो अकाल जैसी स्थिति भी बनी रहती है। आखेट की बात करें तो वो जो आखेट करते हैं वो तीन जो ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार से करते हैं। एक होता है शीतकालीन आखेट, दूसरा हो गया बसंतकालीन आखेट, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रीष्मकालीन आखेट। आखेट करने के लिए वो एक हथियार का यूज करते हैं जिसका नाम है हार्फून, जो हड्डियों से रेडियार के हड्डियों से बना हुआ होता है, और उसके पीछे जो है वो एक रस्सी बंधी हुई होती है। तो शीतकालीन जो आखेट किया जाता है उसे जो एस्किमो लोग कहते हैं माउपाक और इतुरपाक, दो आखेट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, माउपाक और इतुरपाक, शीतकालीन आखेट को। शीतकालीन आखेट में किस प्रकार आखेट करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जब शीत ऋतु होती है तब उस समय जो एस्किमो लोग हैं वो नदियों के और किनारों के तटों पर बस जाते हैं। बसने के कारण, बस जाने के बाद जब बर्फ में दो छिद्र बनाते हैं, जब सील मछली उन छिद्रों में आती है तब वो हार्पून फेंक कर उसका शिकार करते हैं, उसे माउपाक कहते हैं। ये हो गया माउपाक। बसंत कालीन की बात करें तो बसंत काल के अंदर जब धीरे धीरे बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है तो जो सील मछलियां हैं वो श्वास लेने के लिए बाहर आती हैं, तब जो एस्किमो लोग हैं वो आखेट करते हैं। और ग्रीष्म काल में जब बर्फ थोड़ी थोड़ी हट जाती है तो वहां घास उग जाती है, और घास उगने के बाद वहां पर रेडियार और ये जो जीव जंतु हैं ये वहां घास खाने आते हैं, और उसके बाद ये वहां आखेट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो वो हो गया ग्रीष्मकालीन आखेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखेट तीन प्रकार से करते हैं, वो शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन ऋतुओं के आधार पर। अब बात कर रहे हैं एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं उनके घर किस प्रकार के बनते हैं। तो मुख्यतया वो दो प्रकार के जो घर बनाते हैं, पहला है इग्लू। शीतकाल में जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा बर्फ से निर्मित घर, उन्हें इग्लू कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा कि बर्फ से बने हुए शीतकाल में जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। कुछ इस प्रकार गुंबदाकार इस प्रकार जो घर बनते हैं उनके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें ये जो लोग हैं एस्किमो जनजाति के वो रेंग कर जाते हैं। ये छोटा इसलिए रखते हैं ताकि शीतकाल में जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो इन तक नहीं पहुंच सके, इसीलिए बर्फ के इस प्रकार के जो घर हैं वो बनाते हैं। ट्यूपिक, ट्यूपिक जो होते हैं वो ग्रीष्म काल में बनाए जाने वाले चमड़े के घर। कौन से काल में? ग्रीष्म काल में। किसके बने हुए होते हैं? चमड़े के जो घर हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्यूपिक। इग्लू जो होता है वो शीतकाल में बनाया जाता है। ये हो गए एस्किमो जो जनजाति के घर हैं वो इग्लू और ट्यूपिक। इग्लू होता है शीतकाल में और ट्यूपिक जो बनाते हैं वो ग्रीष्म काल में चमड़े से बने हुए। इसके बाद वस्त्रों की बात करें, एस्किमो जनजाति कौन से वस्त्र पहनती है? तो ऑफिशियली वहां देखो सर्दी पड़ती है, तो सर्दी पड़ती है तो वहां गर्म वस्त्र वो पहनते हैं। गर्म वस्त्रों में वो चमड़े के जो जो ध्रुवीय भालू हैं उनका चमड़ा और सील जो मछली है उसकी खाल को वो मुख्यतया पहनते हैं। उनके पहनावे में तिमी आंख, तिमी आंख होता है एक जर्सी नुमा, एक पहनने का होता है उसे कहते हैं तिमी आंख। और अनोहाक, अनोहाक होता है तिमी आंख के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र को हम कहते हैं अनोहाक। तीसरी चीज है आकेट से प्राप्त खाल, जो ध्रुवीय भालू हो सकते हैं, केरिबू की हो सकती है, मस्क की हो सकती है, मुख्यतया सील मछली की हो सकती है, वो उन छालों को वो अपने शरीर पर वस्त्र के रूप में पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। अब एस्किमो जो जनजाति है वो कहाँ रहती है? मुख्यतः मैंने बताया था टुंड्रा प्रदेश में। तो उस प्रदेश में, उस जलवायु में कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं? वो जीव जंतु हैं यहाँ पर मुख्यतया उष्ण रक्त वाले बड़े जानवर,
मिलते हैं, जिनमें है ध्रुवीय भालू, केरिबू, मस्क, सील मछली। छोटे जीवों की बात करें तो छोटे जीवों में कस्तूरी मर्ग, लोमड़ी, कुत्ता। कुत्ता जो होता है इनका पालतू होता है, इनकी आखेट में भी बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, और इनका जो परिवहन का जो साधन होता है, हड्डियों का जो ढांचा, उसको खींचने में भी मदद करता है कुत्ता। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। आर्गिमन पक्षी, आर्गिमन पक्षी जो पाया जाता है वो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। इसके जो शरीर पर है वो पूरे शरीर पर पंख होते हैं, इसलिए इसको सर्दी नहीं लगती। आर्गिमन पक्षी को यहाँ पर हंस, बतख ये भी पाए जाते हैं। इसके बाद एस्किमो जनजाति के जो यंत्र और उपकरण हैं वो किन किन यंत्र और उपकरणों का प्रयोग करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कयाक की। जब ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है उसमें बर्फ पिघलती है और नदियों के माध्यम से जो पानी है वो बहता है, उस समय जो पुरुष, याद रखना, पुरुष जो जाति है वो जब शिकार के लिए निकलती है तो उनकी जो नाव होती है उसे कयाक कहते हैं। पुरुष जाति विशेष की नाव को कयाक कहते हैं, और इसकी लंबाई होती है 5 से 6 मीटर, जो बनी हुई होती है केरिबू की हड्डियों से, और हेल जो मछली है उसकी हड्डियों से जो बनी हुई होती है वो होती है कयाक। उमियाक की बात करें तो उमियाक स्त्रियों के द्वारा जो नाव होती है जिससे स्त्रियां शिकार करती हैं, बैठकर जाती हैं, उसे कहते हैं उमियाक। हार्पून की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये जो हथियार है वो महत्वपूर्ण है एस्किमो जनजाति के लिए। हार्पून, हार्पून एक हड्डियों का बना हुआ जिसमें हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है, और हेल मछली की हड्डी का प्रयोग, कुछ लकड़ियों का प्रयोग, और पीछे एक रस्सी बांध दी जाती है और उसे ऐसे फेंक कर शिकार किया जाता है मछली का, कुछ इस प्रकार से होता है। ये रस्सी हो गई, इसे कहते हैं हार्पून। आगे बात करते हैं स्लेज गाड़ी। मैंने अभी आपको बताया था कि कुत्तों का प्रयोग किया जाता है स्लेज गाड़ी में। जब शीत ऋतु होती है तो बर्फबारी होती है, और उसमें जब हेल मछली की और कुछ लकड़ियों से बनी हुई इस प्रकार की गाड़ी होती है कि वह चिकनाई होने के कारण घिसती हुई जाती है, और उसे कुत्ते खींचते हैं। कुत्ते 7 कुत्ते, जो कुत्ते तेज होते हैं उन्हें तो आगे रख दिया जाता है, और जो कुत्ते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं उन्हें उनसे 2 फीट पीछे रखा जाता है। इस प्रकार से स्लेज गाड़ी को खींचते हैं, और कई बार जो रेंडियर हैं उनके सींग, रेंडियर के जो सींग हैं वो इस प्रकार से होते हैं, तो इनमें इस प्रकार से लकड़ी हड्डी पसा दी जाती है कि वो रेंडियर जो है वो उस जो गाड़ी को, स्लेज गाड़ी को खींचते हैं, तो वो होती है स्लेज गाड़ी एस्किमो की। समाज की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक जो समाज है, पितृवंशी है, जिसे हम पितृसत्तात्मक संसार जो समाज भी कह सकते हैं वो होता है। यहाँ पर बात करें तो बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है एस्किमो जनजाति में, और एस्किमो जो जनजाति है साइबेरिया में साइलेंट मौन व्यापार करती है। कहाँ करती है? साइबेरिया में। जीके यहां से उठते हैं, जीके आपको यहां से पूछ लिया जाएगा कि एस्किमो जो जनजाति है साइबेरिया में कौन सा ट्रेप करती है, तो वो मौन ट्रेप, साइलेंट ट्रेप, मौन व्यापार करते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि जो एस्किमो जनजाति है अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन करती है, तो वो एस्किमो जो जनजाति जो बर्फ पड़ती है जिस इलाके में, उस क्षेत्र में कई बार जो अशक्त और बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी होने के कारण शिकार नहीं हो पाता, और शिकार जब नहीं होगा तो खाने को कुछ नहीं मिलता, और इसी कारण भूख से कई लोग, बूढ़े और अशक्त लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा ब्रूसमैन जनजाति, किर्गिज जनजाति, विश्व की सारी जनजातियां अपन
डिस्कस करने वाले हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं।